परमेश्वर की नाम की महिमा हो। बच्चों को बाइबल की कहानियाँ सीखने और दूसरों को कहानियाँ सुनाने में मदद करना है, ये है इस वीडियो का उद्देश्य। तो आइए सुनते हैं कहानी। प्रिय बच्चों, आज मैं नूह की कहानी आप लोगों के साथ बोलने जा रही हूँ। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसको शेम, हाम, याफित नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय पृथ्वी परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से फर गई थी। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की मन की विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या पक्षी, सबको मिटा दूंगा। परंतु यहोवा के अनुग्रह नूह पर बनी रही। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू गोफर वृक्ष के लकड़ी का एक जहाज बना ले। उसका लंबाई, चौड़ाई और जिस प्रकार उसको बनाना है सब परमेश्वर नूह को बताया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जलप्रलय से बचाने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों को नथनों में जीवन का श्वास था सब पृथ्वी पर से मर मिटे। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। परमेश्वर ने नूह और जितने उनके संग जहाज में थे उन सभी का सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। कुछ दिनों के पश्चात धरती सूख गई। तब परमेश्वर नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पशु, क्या पक्षी और क्या जितने प्राणी उसके संग है वे सबको अपने साथ निकल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे भूले भले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर होम बलि चढ़ाया। यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रिय दोस्तों, नूह की इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति जो भी हो और संसार के लोग जो भी काम करें, हम परमेश्वर के संतान उनके आज्ञा को माने और उनके वचन के अनुसार चले, परमेश्वर उनका संग रहेगा और उनका आशीष दूंगा। परमेश्वर सभी को आशीष दे।